देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ। प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित हुए भाजपा के कार्यकर्ता सम्मेलन को ऐतिहासिक बताते हुए कार्यकर्ताओं ने बातचीत में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें इस बार मध्य प्रदेश में 200 पार करने का संकल्प दिलाया है और केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने का संदेश दिया है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस बार भी प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने का पूरा भरोसा जताया है। प्रांजल श्रीवास्तव सर, आज की बैठक के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आज की बैठक मध्य प्रदेश में जो हमारे मीसाबंदी DIR में जो बंद थे लोकतंत्र सेनानी, उनकी बैठक थी। बड़ी संख्या में लगभग 300-400 लोग पूरा समय देकर के विभिन्न विधानसभाओं वो काम करेंगे, उसके वास्तव में आज बैठक थी। इस बैठक में मार्गदर्शन करने के लिए हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री राकेश सिंह जी, प्रदेश के महामंत्री श्री शिवराज जी भगत ने मार्गदर्शन किया और लगभग 225 कार्यकर्ता विभिन्न विधानसभाओं में जाने के लिए तैयार हुए। इसके अलावा भी कुछ फैसले किए गए आज? कोई फैसले नहीं, हम लोग तो बस निर्णय लिए गए। नहीं, कोई निर्णय नहीं, हमारा सारा निर्णय का काम ही नहीं है। हम लोग सब राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े होने के कारण सारे मीसाबंदी भारतीय जनता पार्टी के साथ। सर, समय जगत से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय जगत से प्रांजल श्रीवास्तव सर, आपका परिचय? मेरा नाम राजेंद्र आर्य जी, यमुनानगर ग्वालियर से आया हूँ जी। सर, यहाँ किस कार्यक्रम के सिलसिले में आए? यहाँ लोकतंत्र सेनानी संघ का ही है जी मीटिंग हुई है जी। आगामी जी उसके अंदर हम क्या काम कर सकते हैं जी, कितना समय दे सकते हैं जी, उसके लिए तो क्या संदेश मिला है यहाँ से? यहाँ से संदेश यही मिला है कि आगामी आने वाले चुनाव में हम काम कर सकते हैं जी, नहीं होगा ना जी, वो देश में कर सकते हैं वो परास्त करने के लिए जी, उसके लिए हम जो अपना प्रयास इतना कर सकते हैं। और निकट भविष्य जो विधान समय जगत से, मैं प्रांजल श्रीवास्तव सर, आपका परिचय? किशोरी लाल चौरसिया, लोकतंत्र सेनानी, जिला अध्यक्ष गुना अशोकनगर जी। सर, सर यहाँ किस कार्यक्रम के सिलसिले में आए? लोकतंत्र सेनानी संघ का ये प्रांतीय मीटिंग है जी, और ये प्रांतीय मीटिंग जो है मध्य प्रदेश के 52 जिलों के कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष एकत्रित हुए लोकतंत्र की रक्षा के लिए। ये लोकतंत्र सेनानियों का संघ है जी। यहाँ 1975 में जी देश की प्रधानमंत्री समय की इंदिरा गांधी ने जो आपातकाल लगाया था जी भारत में रात्रि को 12 बजे जी 25 जून 1975 को 26 जून की दरमियानी रात जी लोगों। देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ।